वंस अगेन वेलकम बैक, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायो बाबा। पिछले लेक्चर्स में हमने यहाँ क्या शुरू किया था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोटका एंड वोल्टेरा मॉडल, जहाँ पे हमने दो केसेस देखे थे। केस तो फर्स्ट ही था कि किस तरह से स्पीसीज वन जीतती है, किस तरह से स्पीसीज टू जीतते हैं, यानी कि हमने किसके बारे में बात की थी, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन के बारे में बात की थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ वही वाला बना हुआ है जहाँ पे हमने देखा था किस तरह से स्पीसीज टू जीत जा रही थी, है ना। फाइनली और स्पीसीज वन जो हो रहा है एलिमिनेट हो जा रहा था। This is the formulated way where we can represent which species winning and which species losing, while this is the graphical representation. तो ये चीजें क्लियर हो गए। आज का हमारा जो दो केस होगा जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उसमें हम ये देखेंगे किस तरह से अनस्टेबल को एग्जिस्टेंस होता है दो स्पीसीज के बीच, और किस तरह से स्टेबल को एग्जिस्टेंस होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा पहला केस। आज का हमारा पहला केस क्या होगा, स्टेबल को एग्जिस्टेंस के बारे में। अगर स्टेबल को एग्जिस्टेंस की बात करें तो आपको याद होगा कि स्टेबल को एग्जिस्टेंस कब होता है, कौन सी केस ऐसी होती है जब स्टेबल को एग्जिस्टेंस होता है, ऐसा कौन सा केस होता है जब स्टेबल को एग्जिस्टेंस होता है, याद है आपको किसी को स्टेबल को एग्जिस्टेंस का केस कब होता है। ये केस तभी पॉसिबल हो सकता है जब बोथ द स्पीसीज आर वीक, बोथ द स्पीसीज आर वीक। भाई किसी के पास एबिलिटी नहीं है कि एक दूसरे को हटा पाए, ना स्पीसीज वन टू को हटा पा रहा है, ना टू वन को हटा पा रहा है। ये स्पीसीज वन है, ये स्पीसीज टू है, ना ए बी को हटा पा रहा है, ना बी ए को हटा पा रहा है, दोनों के दोनों साथ में रह रहे हैं। इसे हम बोल रहे हैं स्टेबल को एग्जिस्टेंस, इसे हम क्या बोल रहे हैं, स्टेबल को एग्जिस्टेंस। क्लियर, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे पिछले लेक्चर्स में। ठीक, तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसे हम बेसिकली ग्राफ्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ना। तो फिर से फॉर्मूला वही है, आपको सबसे पहले क्या करना है, आइसोक्लाइन के लिए आपको x एक्सिस y एक्सिस लेनी है। आपने x एक्सिस y एक्सिस लिए, देन आप क्या करोगे, एक ऐसे लाइन खींचोगे। ठीक, दो भाई दो स्पीसीज है ना, दो स्पीसीज यहाँ पे साथ में आ रही है, आप कॉम्पिटिशन दिखा रहे हो, तो आइसोक्लाइन कितने आएंगे, दो आएंगे। इज इट क्लियर, बहुत सिंपल सी बात है, दो दो स्पीसीज दो इंटरेक्ट करे, दो आइसोक्लाइन आएंगे, सीधी लाइन जिसको हम बोलते हैं बेसिकली। ठीक, यहां पे आपको N1 लिख देना यूनिवर्सल, यहां पे आपको N2 लिख देना, क्लियर बात है। N1 की जो कैरिंग कैपेसिटी आएगी वो x एक्सिस पे आएगी, N2 की कैरिंग कैपेसिटी y एक्सिस पे आएगी, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर से आपको बता रहा हूं। ठीक, तो होता क्या है, यहां पे हमें एक ऐसे क्रॉस पॉइंट लेना है, क्रॉस पॉइंट लेना है कुछ इस तरह से। ठीक है, ओके फाइन, चलिए मान लेते हैं कि ये वाला जो लाइन है, मान लेते हैं कि ये जो रेड लाइन है, ये जो रेड लाइन खींचे हैं हम, रेड लाइन है, ठीक है, ये स्पीसीज वन के लिए है, किसके लिए, स्पीसीज वन के लिए। और ये जो ब्लैक लाइन है, ये जो ब्लैक लाइन है वो किसके लिए, स्पीसीज टू के लिए। क्लियर, ये वन के लिए, ये टू के लिए। तो भाई जब मैं इसको बोल रहा हूं वन के लिए है, तो वन के लिए कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी, के वन, ऑब्वियस सी बात है ना भाई, स्पीसीज वन के लिए कैरिंग कैपेसिटी यहीं पे आती है, और जब कैरिंग कैपेसिटी यहां पे आ रही है तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है कॉम्पिटिशन का, वो इसके अपोजिट में आएगा। भाई ये चीज तो क्लियर है ना, कि हम जब भी बात करेंगे कैरिंग कैपेसिटी की, तो वन की कैरिंग कैपेसिटी एक्स पे ही होगी, या तो इस पॉइंट पे हो या तो इस पॉइंट पे हो, कैरिंग कैपेसिटी वन की यहां पे नहीं हो सकती। ठीक उसी तरह से K2 की अगर बात करूं, यानी स्पीसीज टू की, तो उसकी कैरिंग कैपेसिटी यही वाई एक्सिस में ही घूमेगी, या तो इस पॉइंट पे होगी या तो इस पॉइंट पे होगी, किसी और पॉइंट पे नहीं जा सकती। क्लियर है, ठीक। तो मैंने बोला कि कैरिंग कैपेसिटी जो स्पीसीज वन की यहां पे है। ठीक भाई, अब हो क्या रहा है कि इस K1 के ऊपर, स्पीसीज वन के ऊपर स्पीसीज टू कितना इफेक्ट डाल रही है उसके बारे में बात करेंगे, कॉम्पिटिशन कोएफिशिएंट के बारे में बात करेंगे कि कितनी कमी आई, तो उसको हम जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में दिखाएंगे। तो K1 की कैरिंग कैपेसिटी में कितनी कमी आई, किसके द्वारा, दूसरे के द्वारा, स्पीसीज टू के द्वारा, K1 की कैरिंग, स्पीसीज वन की कैरिंग कैपेसिटी में कितनी कमी आई, अपॉन लगा दिया कितनी कमी आई, By which process? By competition coefficient. Competition coefficient, which is known as 1, 2. मतलब क्या?
दो के द्वारा वन के ऊपर लगाया जाने वाला इफेक्ट। क्लियर, समझ में आ गया भाई? तो जब आप इसको के वन के लिए बोल रहे हो, सपोज ये किसकी कैरिंग कैपेसिटी, के टू की कैरिंग कैपेसिटी है, और ठीक उसी तरह से के टू की कैरिंग कैपेसिटी में कितनी कमी आई, किसके द्वारा? अल्फा टू वन के द्वारा, मतलब वन का इफेक्ट टू के ऊपर, वन का इफेक्ट टू के ऊपर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस? आपको समझ में आया किस तरह से आइसोक्लाइन ड्रॉ किए? ठीक, ये बेसिकली आपको ड्रॉ नहीं करना रहेगा एग्जाम में, ये किस तरह से, ये तो ड्रॉ किया हुआ पहले से रहता है, मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ कि किस तरह से हम इसे बना सकते हैं, किस तरह से हम इसे सीख सकते हैं इन अ वेरी सिंपलर वे। कुछ हार्ड नहीं है, बहुत इजी है ना? ये चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। अब हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट लेंगे। वहां पे भी हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट लिया था, एक रैंडम पॉइंट। तो इसमें हम दो आइसोक्लाइन के बीच में हमें रैंडम पॉइंट लेना होता है ना, बिटवीन टू आइसोक्लाइन वी हैव टू टेक अ रैंडम पॉइंट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सपोज हमने यहाँ पे रैंडम पॉइंट ले लिया और एक रैंडम पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक, पहले हम इसका हिसाब करते हैं, पहले हम इसका हिसाब करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप मुझे बताओ कि इस पॉइंट में के वन ज्यादा है कि के टू ज्यादा है? इधर के वन ज्यादा है कि के टू ज्यादा है? कौन ज्यादा है? ऑब्वियस सी बात है, के वन की साइज इस तरफ जा रही ना, के वन ज्यादा है। तो जब इधर के वन ज्यादा है तो के टू इधर बाय डिफॉल्ट कम हो गया, एक ज्यादा है तो दूसरा बाय डिफॉल्ट कम ही होगा ना, के वन इधर है के टू इधर है। ठीक है, ये के टू की है ना, ये देखिए के टू की लाइन है, ये के वन की लाइन है, हम इतने में ही बात कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए इधर क्या हो रहा है, ऊपर वाले में देखेंगे तो ये के टू की लाइन ज्यादा है, ऊपर वाले में देखिए के टू ज्यादा है, तो के टू ज्यादा है तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन यूज करेंगे। क्लियर? तो भाई जब ये अपवर्ड डायरेक्शन यूज, और के वन कम है, ये देखिए ये पॉइंट, ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट देखिए, और इधर का आपने कंपैरिजन किया था किससे, इस पॉइंट से कंपैरिजन किया था है ना, इस पॉइंट से, ये दोनों पॉइंट आपस में कंपेयर होंगे, ये दोनों पॉइंट आपस में कंपेयर होंगे। तो आप क्या देख रहे हो कि ये इधर से ज्यादा है, ये के वन इधर से कम है, तो इसलिए कम के लिए हम के वन का इधर दिखा देंगे। यही चीज तो हमारे में डिस्कस हुई थी कि भाई अगर अपवर्ड डायरेक्शन होगा तो मतलब वो कि स्पीशीज टू की जो वैल्यू है वो ज्यादा है ना, मोर है, और अगर डाउनवर्ड होगा तो मतलब क्या है, स्पीशीज टू की जो वैल्यू है वो लेस है। फिर ठीक उसी तरह से इस तरह से था, एरो अगर राइट फॉरवर्ड हो रहा है तो स्पीशीज वन का ज्यादा है, स्पीशीज वन की वैल्यू क्या है, मोर है, और अगर एरो इस साइड हो रहा है तो स्पीशीज वन की वैल्यू जो क्या है वो लेस है। तो ठीक है ना, लेस है, क्लियर। रिजल्टेंट आपको बनाना है, रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट किसकी तरफ दिखा रहा है, के टू की तरफ दिखा रहा है, ये रिजल्टेंट किसकी तरफ दिखा रहा है, के वन की तरफ दिखा रहा है, मतलब के वन और के टू ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये आपका देखिए ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट से ये क्या हो रहे हैं, दोनों के दोनों दूर भाग रहे हैं, किसी को साथ नहीं रहना है, मतलब क्या है, अनस्टेबल को एग्जिस्टेंस है, अनस्टेबल को एग्जिस्टेंस है। ठीक है, ये अनस्टेबल को एग्जिस्टेंस का केस हो गया, किसका केस हो गया, ये अनस्टेबल को एग्जिस्टेंस का केस हो गया, अनस्टेबल को एग्जिस्टेंस का केस हो गया, ये क्लियर, अनस्टेबल को एग्जिस्टेंस का केस हो गया। ठीक, एक्चुअली हमने शुरू क्या किया था कि बोथ द स्पीसीज आर वीक, मतलब हम दिखा रहे थे स्टेबल को एग्जिस्टेंस, बट होता क्या है, यहाँ पे कुछ रटा हुआ नहीं है, तो आप सिर्फ वैल्यू चेंज करो, जस्ट आप वैल्यू चेंज करोगे आपका पूरा का पूरा जो सिनेरियो है पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। समझ में आया? सिर्फ वैल्यू चेंज करने से आपने क्या देखा, यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे देखिए, ये इस तरफ भाग रहा है, ये इस तरफ भाग रहा है, दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट से अलग जा रहे हैं, मतलब क्या है, ये अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस है ना, कोई साथ नहीं रहना चाहता। तो ये जो केस बन गया, ये किसका बन गया, बोथ द स्पीसीज आर डोमिनेंट, बोथ द स्पीसीज आर डोमिनेंट, बोथ द स्पीसीज आर स्ट्रॉन्गर या डोमिनेंट, कुछ भी बोल सकते हो, स्ट्रॉन्ग भी बोल सकते हो, ठीक है, स्ट्रॉन्गर कुछ भी बोलो। ठीक, क्लियर, दोनों के दोनों स्पीसीज क्या है, स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, अब ये तो था हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, चलिए ये स्टेटमेंट देखें, अगर ये फॉर्मूले के वे में दे दे तो इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे। फॉर्मूला भी आप देखेंगे कि यही बताएगा
जो हमने ग्राफ से भी समझा है, ठीक है। फॉर्मूला लिखते हैं देन कंपेयर करते हैं। अभी तक तो आपको पूरी चीजें समझ में आ गई होंगी। के टू अपॉन अल्फा टू वन इज लेस देन के वन। ये फर्स्ट केस है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो लिखा गया है कि के टू अपॉन अल्फा टू वन इज लेस देन के वन। दूसरी बात क्या लिखी गई के टू इज ग्रेटर देन के वन अपॉन अल्फा वन टू। दूसरी बात यही लिखी गई है, ये देखिए के टू इज ग्रेटर देन के वन अपॉन अल्फा वन टू, और यहां पे क्या लिखा गया के टू अपॉन अल्फा टू वन इज लेस देन के वन। चलिए अब डिस्कस करते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि के वन ज्यादा है, ठीक है। मैंने आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आपको इतना ज्यादा ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अगर डायरेक्टली देखना है तो जो ज्यादा है वो जीत रहा है, सिंपल सी बात। कंपैरिजन करेंगे, जो ज्यादा होगा वो जीतेगा, पूरा यहां तक जाने की जरूरत नहीं है। आप इसको देख के K2 से ज्यादा है K1 तो मतलब K1 जीत रहा है, K2 ज्यादा है तो मतलब K2 जीत रहा है। तो भाई जब दोनों जीत रहे हैं मतलब क्या है कि अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस दोनों के दोनों डोमिनेंट है। पूरी तरह से चलिए इसे देखते हैं, थोड़ा थोड़ा इसको एक्सपोज करते हैं, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि K1 की वैल्यू इससे ज्यादा है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू कम है। और ये वैल्यू कम कैसे हुई, इस नीचे वाले की वजह से। और नीचे दिया क्या है, कंपटीशन कोफिशिएंट। किसका कंपटीशन कोफिशिएंट, 1 का 2 के ऊपर। किसका, 1 का 2 के ऊपर, मतलब 1 जो है वो मोर इफेक्ट डाल रहा है, 1 जो है वो मोर इफेक्ट डाल रहा है, 2 जो है वो लेस इफेक्ट डाल रहा है। साफ बात है भाई, ये वैल्यू बहुत ज्यादा है, ये वैल्यू कम है, इसलिए जो ओवरऑल जो पूरा का पूरा क्या हुआ, रिजल्टेंट हुआ, वो K1 की तरफ शिफ्ट हो गया। ये सेकेंड केस में क्या हो रहा है, K2 जीत रहा है ना। यहाँ पे कौन जीता, K1 जीत गया है ना, K1 इज विनर। यहाँ पे क्या है, K2 का हाल वही है, 1 का 2, 2 जो है 1 के ऊपर यहाँ पे इफेक्ट ज्यादा डाल रहा है, 2 जो है 1 के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है, देख रहे हैं। तो इसलिए ये पूरी की पूरी वैल्यू कम हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे कौन जीत जाएगा, K2 इज विनर है ना, K2 इज विनर। तो मतलब ओवरऑल दोनों जीत रहे हैं। तो जब भाई दोनों जीत रहे हैं तो ये केस किसका हो जाएगा, अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस का। और यहाँ से आप वो भी देख सकते हैं कि ये पॉइंट जो है एक दूसरे से दोनों के दोनों रिजल्टेंट दूर भागे जा रहे हैं, इसलिए ये केस किसका हो गया, अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस का, ठीक है, अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस का, ठीक। चलिए अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस का क्लियर। अब इसी का केस हम रिवर्स कर देते हैं। ये जो वैल्यू दी गई कैरिंग कैपेसिटी, यहाँ पे किसका ज्यादा है, देखिए यहाँ पे K2 का ज्यादा है, तो हम इसको जस्ट बदल देंगे, तो अभी आपको ये सीन भी समझ में आ जाएगा कोएग्जिस्टेंस का केस क्या होता है, ठीक है। चलिए जस्ट चेंज द वैल्यू एंड सी द डिफरेंस। यहाँ पे K1 था है ना, चलिए तो अब हम क्या कर रहे हैं, चीजें सब कुछ सेम रहेंगी, चलिए देखते हैं, चीजें सब कुछ सेम रहेंगी, वेट। क्या करना है आपको, फिर से दो पॉइंट वैसे ही लेना है। यहाँ पे हमने K1 लिया था, इस बार हम K1 यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। K1 का पॉइंट ये हो गया और K2 का पॉइंट ये हो गया। K1 का पॉइंट ये, तो साफ बात है यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, K1 अपॉन अल्फा 1 2, ठीक। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, K2 अपॉन अल्फा 2 1, क्लियर हो गया। ये N1 के लिए है, ये N2 के लिए है, नो डाउट ऑब्वियसली ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए यहाँ पे क्या सीन है, फिर से आपको क्या करना है, इक्विलिब्रियम यहाँ पे रैंडम पॉइंट ले लेना है। रैंडम पॉइंट आपने ले लिया, ये चीजें क्लियर हो गई, चलिए ठीक ठीक है। ये सारी चीजें आइसोक्लाइन ड्रॉ करने आ गया। अब देखिए आपने रैंडम पॉइंट लिया, इसका और इसका आप कंपेरिजन करिए, तो ये पॉइंट किसका है, ये पॉइंट आपने K1 के लिए बनाया है, तो K1 की वैल्यू देखिए इससे ज्यादा है ना, K2 से ज्यादा है, तो K1 की वैल्यू ज्यादा है तो K1 इस तरफ मूव करेगा, और जब K2 की वैल्यू कम है तो ये बाय डिफॉल्ट नीचे की ओर आ जाएगा, और इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरह शिफ्ट हो जाएगा, क्लियर, इक्विलिब्रियम साइड में। यहां पे देखेंगे तो आप देखिए K2 की वैल्यू
यहाँ पे K2 की वैल्यू ज्यादा है इसलिए ऊपर की ओर जाएगा, यहाँ K1 की वैल्यू कम है इसलिए इधर की ओर जाएगा, और ये बीच में आपका इक्विलिब्रियम। तो मतलब ये दोनों के दोनों अगर आप देखेंगे ये इक्विलिब्रियम में मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, तो ये कौन सा केस हो जाएगा? स्टेबल कोएग्जिस्टेंस का केस हो जाएगा। स्टेबल कोएग्जिस्टेंस का केस हो जाएगा, किसका केस हो जाएगा? स्टेबल कोएग्जिस्टेंस का। ठीक है, अब इसको आप बदल सकते हैं, स्टेबल कोएग्जिस्टेंस, बोथ द स्पीसीज आर वीक, बोथ द स्पीसीज आर वीक, है ना? हो गया क्लियर, समझ में आ गया? चलिए इसको आप फॉर्मूले के थ्रू समझ लेते हैं एक बार। क्या लिखा है? K1 अपॉन अल्फा 1:2 इज ग्रेटर देन K2, ठीक, इज ग्रेटर देन K2। फर्स्ट सिनेरियो ये है। सेकंड सिनेरियो क्या है? K1 इज लेस देन K2 अपॉन अल्फा 2:1। क्लियर, यहां पे हम क्या बोल रहे हैं कि K2 की वैल्यू ज्यादा है, तो हम मैंने डायरेक्टली बोला था ना, आपकी डायरेक्टली देख के बता सकते हो, यहां पे K2 क्या हो रहा है, ये जीत जाएगा। यहां पे क्या होगा? K1 की जो है यहां पे जीत जाएगा। ठीक है, मतलब अभी आपको एक चीज और देखना बाकी है, ध्यान से देखो। आपने यहाँ पे क्या देखा? हमने क्या बोला कि K2 की इफेक्ट जो है ये K1 के ऊपर ज्यादा है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है? K1 का इफेक्ट K2 के ऊपर ज्यादा है, लेकिन केस क्या हो रहा है? अगर आप ग्राफिकली देखें तो ये जो इसके रिजल्टेंट है ये दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट की ओर शिफ्ट कर रहे हैं ना, ये दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, जबकि पिछला वाला केस था तो वहां पे क्या था, अनस्टेबल में एक इस पॉइंट पे जा रहा था, दूसरा इस पॉइंट पे जा रहा था, यही था वहां पे ये हो रहा था, जबकि यहाँ पे क्या, दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट की ओर जा रहे हैं। तो जब ये दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट की ओर जा रहे हैं इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, स्टेबल कोएग्जिस्टेंस है। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, स्टेबल कोएग्जिस्टेंस है। भाई ये केस जब दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम में जा रहे हैं और दोनों के इफेक्ट भी सेम है, तो मतलब ये है कि क्या है, दोनों के इफेक्ट भी सेम है और दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट की ओर जा रहे हैं, मतलब ये कि स्टेबल कोएग्जिस्टेंस है, और दोनों के इफेक्ट भी सेम है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब क्या है, वहां पे अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस है, और जब एक की वैल्यू ज्यादा एक की वैल्यू कम तो मतलब वो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का कॉन्सेप्ट है वहां पे, है ना, मतलब एक एलिमिनेट हो जा रहा है दूसरा डोमिनेट कर जा रहा है। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो लोटका एंड वोल्टेरा के डिफरेंट ग्राफिकल एनालिसिस है एज वेल एज इसका बेसिक्स आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या हमारे डायरेक्टली डिफरेंट जो सोशल मीडिया है आप उससे अकाउंट से जुड़ के आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।